आइए आज आपको तेल का खेल समझाती हैं। अप्रैल 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपए थी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.56 रुपए थी। आज जब देश में भाजपा की सरकार है तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32.98 रुपए है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31.83 रुपए है। जब भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो अक्सर ये बोला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन इस बार कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी आई है। कांग्रेस के समय में जब कच्चा तेल $161 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल ₹50 प्रति लीटर था। आज जब कच्चा तेल $62 प्रति बैरल है, तब पेट्रोल ₹100 प्रति लीटर है। कांग्रेस जनता को महंगा कच्चा तेल खरीदकर सस्ता पेट्रोल देती थी और मोदी सरकार जनता का खून चूसने में लगी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। रिलायंस पेट्रोल पंप और अडानी पेट्रोल पंप अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जनता को हर स्तर पर दांव पे लगा रही है और इसका कारण है टैक्स। आज पेट्रोल की कीमत ₹100 है, यानी कि इसका 60% टैक्स के जरिए सरकार को जाता है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पेट्रोल की असली कीमत सिर्फ 30 से 40 रुपए प्रति लीटर है।